अम्बागढ़ चौकी से 18 किलोमीटर दूरी पर पानुटोला गांव है। पानुटोला गांव में गोंड आदिवासी लोग रहते हैं और गोंडी बोली बोलते हैं, गोंडी डांस भी करते हैं। पानुटोला गांव में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी कई गोंडी आदिवासी लोगों से मुलाकात की और उन लोगों से मैं कहती थी कि आप लोग गोंडी में एक गीत सुनाओ, तो उन्हीं के पास एक ही जवाब होता था कि हमको गोंडी गीत नहीं आता है। मैं आदिवासी हूँ, हमारे शादी मंडप में यही जो मंडप का गड़ जाता है उस समय इसी गाने को गाकर नाचते हैं। जो अभी हम गीत प्रस्तुत किए हैं ये हमारे गोंडी समाज की है। जो छोटे बच्चे के नामकरण होते हैं ये मैं इस गाना और ये गीत पूरा ये होती है। यह गीत आदमी गुजर जाता है उसके बाद यह गीत गा जाता है। बच्चों की नामकरण होता है, शादी विवाह होता है और मृत्यु होता है, उस पर जो गीत होती है गोंडी गीत होती है उसे हमारे युवा पीढ़ी लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं और पानुटोला के हमारे गोंड आदिवासी लोग हमारे आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं चाहती हूँ कि हमारे आदिवासी गोंड आदिवासियों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, जागरूकता लाने की जरूरत है। आदिवासी दादानी माँ के जनवा करा, आदिवासी दादानी माँ के जनवा करा, तिरक मटा पया नवा कासरा। मैं चाहती हूं कि हमारे इस तरह से आदिवासी लोग अपने संस्कृति को जीवित रखे हैं। देश के जितने भी आदिवासी हैं वो अपनी संस्कृति को बचाए रखें। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडियन हट के लिए।